यस, अब वॉइस आ रही होगी ना। हाँ, चलो। यस, हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो। सो गाइस, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न अगेन एक बहुत हलवा टॉपिक है, बहुत ही हलवा टॉपिक है, जहाँ पेन पेपर अलाउ करने के बाद भी आप यूज नहीं करोगे। जस्ट आंखों से सॉल्व करने वाला टॉपिक है, ऑब्जर्वेशन से सॉल्व करने वाला। आपको इस तरह से पैटर्न दिया जाएगा, ठीक है? आप देख रहे हो ना, ये एक पैटर्न आपको दिया है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, उस स्पेस में क्या होगा वो इनकम्प्लीट आपको ढूंढना है, वो इनकम्प्लीट पैटर्न आपको ढूंढना है। तो चलो, मैं नहीं बताऊंगा, आपके सामने एक एक क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बताते जाओ, मैं करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग बताऊंगा। पहला करके दिखाओ, चलो पहला करके दिखाता हूँ। सो गाइस, अब देखो यहाँ पे आपको ये पूरा दिया है, ये बॉक्स दिया है, ये दिया है, ये दिया और ये पूछा है। तो अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको बराबर से देखो, कंप्लीट करूं, है ना, ये इसको फॉलो करो ना, मिरर मिरर को फॉलो करो, तो ये बना आपका कंप्लीट पैटर्न। और इस टाइप का पैटर्न आपको कहाँ दिख रहा है? ये जो पैटर्न मैंने बनाया है, ये पैटर्न आपको कहाँ दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए में। डी तो कहीं के कहीं जा रहा है, ठीक है। अगेन ये सी भी कहीं के कहीं, इस तरह का ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है यार। ट्रायंगल देखो हमारा पूरा नहीं बन रहा है, ये तो बीच में से ही कट गया है ट्रायंगल, ये भी गलत है। सो ए इज द आंसर। ये देखो, ये हमारा पूरा बना और ये लाइन, ये लाइन। सो ये ऑप्शन ए से मैच कर गया, वेरी गुड, ए इज द आंसर। सिमरन बी कहां से आया? ए होगा। यस निकिता, फूफा जी, फूफा जी आदित्य, यस बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप मेरे को फटाफट आंसर बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ, इसमें क्या आएगा आंसर, जल्दी इसका आंसर बताओ। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? देखो एक चीज आप समझ रहे हो, एक चीज बहुत अच्छी चल रही है, एक ऊपर मुंडी जो है वो सर्कुलर मुंडी है, ठीक है, एक जगह ट्रायंगुलर है और एक जगह हेक्सागोनल है, छह साइड। तो देखो यहाँ ट्रायंगल, हेक्सागोनल सर्कल, हेक्सागोनल सर्कल मतलब पक्का अभी कौन सी मुंडी आने वाली है? ट्रायंगल। तो वो ऑप्शन हटा दो जहाँ ट्रायंगल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी हट गया, ऑप्शन भी हट गया। और अब देखो नीचे भी जो पैटर्न है ना, वो बहुत सही है, इस तरह का एक पैटर्न, फिर उसी तरह नीचे और एक ऊपर एक नीचे, पहले दोनों एरो ऊपर, फिर दोनों एरो नीचे और एक ऊपर एक नीचे, इस तरह का कुछ तो चल रहा है। ये देखो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर दोनों नीचे दोनों, दोनों नीचे एक ऊपर एक नीचे। अब क्या चाहिए? दोनों ऊपर वाले। तो वो ट्रायंगल देखो, यहाँ दोनों नीचे है गलत, यहाँ एक ऊपर एक नीचे गलत, ये रहा आपका आंसर, डी इज द आंसर, परफेक्ट। जिसने डी बोला छा गए, छा गए भाई, जिसने डी बोला बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब है। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूं, मैं सिर्फ करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट या रॉन्ग ये बताने वाला हूं। लेक्चर जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये तीसरा ही क्वेश्चन चल रहा है। ईशा आप मुझे इसका आंसर बताओ, मैं करेक्ट या रॉन्ग बताने वाला हूं और कुछ नहीं बताने वाला हूं। सिंपली ऊपर और नीचे के मिरर इमेज को फॉलो करो, बिल्कुल इसी तरह मिरर वाटर इमेज के हिसाब से आंसर दे दो। एनालॉजी भी बोला जाएगा इसको, एनालॉजी, एनालॉजी को फॉलो करो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट, सी इज द राइट। देखो इसमें कुछ सिखाने जैसा कोई फॉर्मूला, कोई मेथड, कोई रूल, कोई कैलकुलेशन कुछ नहीं, आंखों से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है यार ये, बिल्कुल सी इज द राइट आंसर। छा गए छा गए छा गए, सी इज द राइट आंसर। देखो क्लियर है, यहाँ पे अभी इस तरह का ऊपर तो कंप्लीट है, नीचे ये ऐसा है, तो यहाँ पर भी ऐसा ले लो, ये कंप्लीट कर लो और ये लाइन को कंप्लीट ले लो। सो ये
किधर दिख रहा है आपको, इस तरह का सी में दिख रहा है। ये तो देखो यहाँ ब्रेक हो गया गलत, ये ऐसा ऐसा वाला एरो नहीं चाहिए था हमें, हमें ऐसा चाहिए था, है ना। हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, इस तरह का चांद। तो ये भी गलत और ये तो कुछ अजीब ही है। सो आंसर इज सी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। टेलीग्राम पे मोनिका, मैंने शुभम सर को बोले हुआ है लिंक भेजने, अभी टेलीग्राम पे मैं नहीं हूं, ठीक है, टेलीग्राम पे मैं नहीं हूं, मैंने जैसे लिंक बनाई शुभम सर को बोल दिया, शुभम सर ने भेज दी होगी। चलो सो टेलीग्राम पे लिंक कल भी नहीं आएगी मेरे से, परसों भी नहीं आएगी, वो शुभम सर से ही आएगी। खोया है मन, बताओ इसका आंसर। परफेक्ट, बी इज द राइट आंसर गाइज, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, किसी को कोई डाउट, बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, सही है सही है सही है, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी वाली फिगर यहाँ मैच हो रही है, ठीक है। ये देखो अगर मैं इसको ऐसा कर दू, फिर ये ऐसा कंप्लीट हुआ, ये ऐसा हो जाएगा, और इस टाइप का एरो बस यहाँ दिख रहा है बी में, सी में तो नहीं, सी थोड़ी सी आपको क्लोज दिख रही होंगी, बट सी पता है इस एरो की वजह से कैंसिल हो गई सी, सी इस वाले ये जो है ना ऐसा, ये कैंसिल, क्योंकि हमें इधर मुंह चाहिए था, इधर नहीं, तो ये गलत है, तो मुंह इधर वाला फिगर बी है, बाकी तो फिर समझ गए होंगे आप, ये ऐसा फिर ये ऐसा ये, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। नेक्स्ट ये बताओ, अरे ये तो चिल्लर है, फटाफट बताओ, ये टॉपिक आज मेरा कम और आपका ज्यादा है, मेरा कम और आपका ज्यादा है, फटाफट बताओ, तुरंत अगला टॉपिक भी देखना है हमें आज ही, लेटर सीरीज। नहीं नहीं व्हाट्सएप के ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजे वो अपने जो अब तक हुए नहीं क्या, रैंकिंग टॉपिक, वेन डायग्राम और इंसर्ट मिसिंग फिगर, उसके वो क्वेश्चन थे जो मैं आपसे यहाँ करवाए, वेन डायग्राम के थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी भेजे मैंने, तो वेन डायग्राम की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, वेन डायग्राम के जो मैंने यहाँ करवाए हैं उससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी भेजी मैंने एक दो केस, तो वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी तो सारे वही क्वेश्चन है, तो अब यहाँ हमने किए हैं वो क्वेश्चन ईशा, अब बिना देखे आप खुद एक बार ट्राई करो, बिना देख कर एक बार खुद ट्राई करो। बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड कृति अभी, वेरी गुड। डिस्कशन ग्रुप डिलीट कर दिया, ओके, मुझे नहीं पता उसके बारे में कुछ, ओके, यस डी इज द राइट आंसर, जितीज, सिमरन, कविता, सुपर्ब, यस, सलोनी, कृति, नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आ जाओ, बताओ इसका, हाथ के मार्क्स, यार कहां से मार्क्स लेना है बस आपको ये पता होना चाहिए, आप आराम से इसमें कमाल कर सकते हो। चलो बताओ जल्दी, देखो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आप बेटर इसके आंसर दो, मुझे क्वेश्चंस पूछने से बेटर आप इसके आंसर दो, इसमें कोई डाउट है तो पूछो, बाकी की बातें बाद में करो। चलो इसके आंसर फटाफट बताओ। परफेक्ट, सी इज द राइट आंसर, सुपर्ब 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 सुपर्ब, सी इज द राइट आंसर, करेक्ट है। देखो ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, ये ऐसा लाइन आ गया, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, तो सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट। देख के देख के देख के देख के, नेक्स्ट
बताओ इसका आंसर। बताओ इसका बताओ जल्दी। ग्रुप में जो भेजा है वो ऑलरेडी सॉल्व ही किया है ना हमने, जो इतने दिन से हम जो लेक्चर देख रहे हैं वो सॉल्व जो हमने क्वेश्चंस किए वही सारे क्वेश्चन है ग्रुप में, सिर्फ वेन डायग्राम के एक दो अलग है, वो आप ट्राई करो। बताओ इसका आंसर। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड यार, चलो क्या बात है दोस्तों, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। देखो ये इससे मैच कर गया, फिर ये दो लाइन ये इससे मैच कर गई, और फिर ये इस तरह की लाइन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो बिल्कुल सी इज द राइट आंसर, सॉरी ए इज द राइट आंसर। सुपर सुपर। नेक्स्ट बताओ जल्दी। फिर लेटर सीरीज, एक लेक्चर में आज दो टॉपिक हो जाएंगे। बताओ 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 बताओ। बताओ इसका आंसर क्या है। ऊपर नीचे क्या लग रहा है इसका आंसर। मयंक ने डी बोला है, बाकी सब ए ए ए ए ए बोले जा रहे हैं। फिर दयानंद ने डी बोला है, बाकी सब ए ए। ये ऐसा क्वेश्चन हुआ है कि जिसमें बहुमत है बट आपसी सहमति नहीं है, बहुमत ए की तरफ है बट आपसी सहमति नहीं है। फिर जीनत ने डी बोला है, अब आए हैं डी के फेवर में भी प्रणाली, राहुल। तो गाइस इस बार बहुमत गलत है, बहुमत गलत है, करेक्ट आंसर डी है। करेक्ट आंसर क्या है, डी। देखो आप अगर एक चीज समझो ना, आप अगर एक चीज ठीक से समझो तो ऑप्शन ए और डी लगभग सेम है, लगभग सेम है। फर्क क्या है, देखो फर्क क्या है, यहाँ पे देखो बिल्कुल इसी तरह है, ए और डी कहीं पर भी अलग नहीं है, सिर्फ ये जो लाइन है ना, ये लाइन, ये इस तरह की लाइन, ये तो हो गई, ये हो गई बराबर, ये यहां तक सब सही था। ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली यहां, ये आपको इंसाफ देगी, ये वाली लाइन आपको इंसाफ देगी। देखो अगर आप ठीक से समझो ना, तो ये वाली लाइन कहाँ आ रही है, ये वाली लाइन उसी साइड में आ रही है जिस साइड में ये शेडेड रीजन है, ये वाली लाइन उसी साइड में आ रही है जिस साइड में शेडेड रीजन है। देखो यहाँ शेडेड रीजन इधर है तो लाइन का मुंह इधर, यहाँ शेडेड रीजन इधर है तो लाइन का मुंह इधर, यहाँ शेडेड रीजन इधर है तो लाइन का मुंह इधर। बट गाइज जिन्होंने ए बोला, जिन्होंने ए बोला, पहले मैं उनको बता दूं कि आपका शेडेड रीजन देखो ए में किधर है, इधर, तो लाइन तो इधर चाहिए थी ना, लेकिन नहीं, लाइन इधर आई है, लाइन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आई है, शेडेड रीजन इधर है, लाइन इधर है। इस कारण से, इतने चिल्लर से कारण से आपका ए आंसर गलत हुआ, और डी जो कि बिल्कुल ए की तरह था, लेकिन देखो जिधर शेडेड रीजन उधर लाइन, जिधर शेडेड रीजन उधर लाइन। और देखो थोड़ी सी चीज, नजर हटी दुर्घटना घटी, यहां इस क्वेश्चन में बिल्कुल सही हुई ये कहावत, क्योंकि यहाँ पे आपने बहुत ऊपर ऊपरी सोचा, थोड़ा डिटेल में सोचना जरूरी था। तो यस, डी इज द राइट आंसर गाइस। जिन्होंने डी बोल दिया बाद में, या ए बोलने के बाद समझ लिया है कि डी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। फाउंडेशन के क्लास का एक बार शुभम सर को ही पूछो, भव्या मुझे उसका कुछ भी नहीं आइडिया, लॉजिकल रीजनिंग का क्या है वो पूछो, बाकी सब शुभम सर को पूछो, ठीक है। So, जिन्होंने ए बोला गाइस समझ गए होंगे कि ए गलत क्यों है। यस विशाल, एक मार्क गया, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट चलो, अरे चिल्लर क्वेश्चन बता दो फास्ट फास्ट फास्ट
फास्ट फास्ट फास्ट इसका आंसर ना 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 ना। यस, इसीलिए केयरफुली, बिल्कुल सही। मेरे तसव्वुर में तुम रोज आती हो, चुपके से तुम आकर मेरा घर सजाती हो। बताओ इसका आंसर क्या बात है। मल्टीपल आंसर आ रहे, कोई बी बोल रहा, कोई ए बोल रहा, कोई डी बोल रहा, सिर्फ सी को नाराज किया है। बताओ 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 यार। देखो इतना तो पक्का, अगर आप पैटर्न देख रहे हो तो एक तो स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन चल रहा है, या स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग स्लीपिंग स्टैंडिंग स्लीपिंग चल रहा है। अब यहाँ पे देखो स्टैंडिंग है, स्टैंडिंग है, तो पक्का यहाँ पर भी स्टैंडिंग आएगा, मतलब डी ऑप्शन तो कैंसिल। तो आप में से जिन्होंने आंसर डी बोला होगा भाई, आप में से जिन्होंने आंसर डी बोला होगा वो पूरी तरह गलत है। ठीक है, वो पूरी तरह क्या है, गलत है। अब बात करते हैं हम, ठीक है, पैटर्न की। तो यहां तो इतना क्लियर है कि आपको कौन सा पैटर्न दिख रहा है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग लाइन का। तो ये पैटर्न देखो, देखो स्टैंडिंग लाइन में दोनों का डायरेक्शन ऊपर, फिर एक बार ऊपर एक बार नीचे, फिर एक बार नीचे एक बार ऊपर। तो यहां देखो एक बार ऊपर एक बार नीचे हो गया, बहुत बढ़िया, दोनों का नीचे का हो गया, बहुत बढ़िया। अब एक बार क्या हुआ है, देखो दोनों का सेम डायरेक्शन में एक ही बार होता है, ठीक से समझो, दोनों का सेम डायरेक्शन में एक ही बार होता है। तो देखो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में एक बार हो गया है, यहाँ पर सेम डायरेक्शन में एक बार हो गया है, ठीक है। फिर दो बार क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, वो भी एक बार ऊपर नीचे फिर नीचे ऊपर। तो यहाँ देखो ऊपर नीचे हो गया, अब नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर, बी इज द आंसर। यस, बी इज द आंसर, बी लॉक कर दिया जाए। रवि आपका जवाब बिल्कुल सही है, आप जीत गए हो सौ रुपया जीत गए हो। रवि क्या करोगे इतने पैसों का। चलो नेक्स्ट, तुम रोज आती हो चुपके से तुम आकर मेरा घर सजाती हो, सजनी बड़ा प्यारा ये रूप है तेरा, चेहरा गजरे की खुशबू। बताओ बताओ बताओ। महका है घर मेरा। चलो 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 चलो, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर गाइस, सुपर्ब। ए ए ए ए सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, लगे रहो लगे रहो, सही जा रहे हो। करेक्ट, ए इज द राइट आंसर। अरे यहाँ बहुत बहुत ही बेहतरीन पैटर्न, देखो सर्कल तो सब जगह है, लेकिन यहाँ सर्कल पे चार लाइन, यहाँ तीन लाइन, यहाँ दो लाइन, यहाँ तीन लाइन, यहाँ दो लाइन, यहाँ चार लाइन, मतलब ये टकला है किसी का गंजा, किसी को चार बाल है, तीन बाल है, दो बाल है, तीन बाल, दो बाल, चार बाल, अब दो बाल हो गए, चार बाल हो गए, अब तीन ही लाइन, तीन ही बाल बचे, यानी तीन लाइन वाली एक ही डायग्राम है, ए कुछ बचा ही नहीं इस क्वेश्चन में, कुछ बचा ही नहीं। नेक्स्ट, अरे प्रिया मैं नहीं हूं टेलीग्राम पर, आप एक बार काम करो, शुभम सर को बोल दो, मैं भी बोल दूंगा एक बार शुभम सर को कि जो जो क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूं वो सारे टेलीग्राम पर भेज दो। जिस मोबाइल में मैंने टेलीग्राम अब ये किया था ना इंस्टॉल, उस मोबाइल का प्रॉब्लम हुआ है, और मेरा जो अक्सर मैं जो यूज करता हूँ मोबाइल, उसमें स्पेस ही नहीं है टेलीग्राम की। बताओ 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 इसका आंसर। ओह ओह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड 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 गुड, यस ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, नाइस। डी नहीं, जानवी गलत,
जितिज गलत, डी नहीं ए। देखो यार ए आएगा ना, ये ऐसा लाइन आपने, फिर ये ऐसा लाइन, ठीक है, फिर ये ऐसा लाइन, तो ए इज द राइट आंसर। ये कहाँ मैच कर रहा है, ए से मैच कर रहा है। गुड, नेक्स्ट बताओ जल्दी इसका आंसर। चलो सॉरी गाइस, बताओ जल्दी क्या बात है। सी 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 सी, सुपर सुपर, बहुत बढ़िया, सी इज द राइट आंसर। फोन 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 फोन, तो सी इज द राइट आंसर, समझ गए होंगे आप, क्योंकि सी ही वो स्ट्रक्चर है जो यहां से बिल्कुल मैच हो रहा है। क्योंकि ये देखो, ये सर्कल यहां से पूरा हुआ कंप्लीट, फिर ये वाला सर्कल यहाँ कंप्लीट, फिर ये वाला देखो यहाँ पे, फिर ये वाला यहाँ पे। अब मेरी डायग्राम बहुत गंदी है, तो बाद में फिर ये देखो, ये जो स्क्वायर है ये यहाँ कंप्लीट होके लाइन कंप्लीट, स्क्वायर कंप्लीट होके लाइन कंप्लीट, स्क्वायर कंप्लीट होके लाइन कंप्लीट, स्क्वायर कंप्लीट होके लाइन कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं आपको ये बिल्कुल सी से मैच करता हुआ आंसर दिख रहा है, और बीच में कोई तो एक सर्कल, ठीक है। सो गाइस, सी इज द राइट आंसर इसका, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये मस्त क्वेश्चन है, सिंपल, सो सिंपल, बताओ इसका। करेक्ट करेक्ट। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिगर खुल रही है, धीरे धीरे खुल रही है फिगर। तो यहाँ पे पहला स्क्वायर गया, फिर यहाँ पे दूसरा गया, बचा अंदर का स्ट्रक्चर, फिर गया पहला सर्कल, गया दूसरा स्ट्रक्चर, बचा अंदर का सर्कल, अब यहाँ पहला ट्रायंगल गया, दूसरा गया, बचा अंदर का सर्कल। सो डी इज द आंसर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बताओ इसका आंसर। कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है ये, फुकट के मार्क देने वाला क्वेश्चन है। ला 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 ला। इसका क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। बताओ जल्दी। करेक्ट, सी इज द राइट आंसर, नाइस। डी किसने बोल दिया भाई बीच में, डी नहीं आएगा। देखो डी में क्या हो रहा है पता है, डी में ये एक सर्कल एक्स्ट्रा है, ये वाला। आप अगर देखो हर स्क्वायर में दो ही इस टाइप के हाफ हाफ सर्कल है, दो ही है, बट डी में ऑलमोस्ट डी और सी सेम है, बस डी में एक एक्स्ट्रा है जो नहीं चाहिए। सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट, सी इज द राइट आंसर।
ठीक है। सो गाइज आई होप आप क्लियर होंगे कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, इतना चिल्लर सब कंसेप्ट टॉपिक है ये कि एक मार्क भी आपका कहीं नहीं जाएगा, इधर उधर किधर भी नहीं जाएगा। अब सेकंड टॉपिक दोस्तों, जैसे कि आपने हेडिंग भी देखा होगा, मैंने हेडिंग में आज लिखा ही है दो टॉपिक, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न और दूसरा क्या है, लेटर सीरीज। लेटर सीरीज तो दूसरा दोस्तों, लेटर सीरीज को हम शुरुआत करते हैं। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, मतलब लेटर सीरीज यानी क्या। सिंपल, आपको ए बी सी डी पता होना जरूरी है, ए टू जेड। नहीं पता हो तो सीख लो, और बाद में फिर आपको सिंपल क्या करना है, पैटर्न फॉलो करना है। जैसे देखो, डी के बाद एफ, डी के बाद एफ का कैसे आता है, एक के गैप में। फिर एफ के बाद एच कैसे आता है, एक के गैप में। डी के बाद ई आता है, फिर एफ, फिर जी आता है, ठीक है। तो वो एक एक का गैप रखकर पहला नंबर दे रहा है। सो डी के बाद एक छोड़ दिया ई, फिर यहाँ पे एफ आया, एफ के बाद एक छोड़ दिया जी, फिर यहाँ पे एच आया, फिर एच के बाद वापिस एक छोड़ दो, एच आई छोड़ दो, फिर यहाँ पे बराबर जे आया। अब जे के बाद के छोड़ दो, एल आना चाहिए। तो देखो, आपने जैसे अभी इनकम्प्लीट पैटर्न को कंप्लीट किया, यहाँ इनकम्प्लीट सीरीज को कंप्लीट करो। कौन सी सीरीज है ये, लेटर सीरीज। ये है दोस्तों लेटर सीरीज। तो बस लेटर का खेल है, आपको ए बी सी डी बोलते हुए जाना है और जैसा पैटर्न बन रहा है वैसा बनाना है। तीन तीन का बन सकता है, चार चार का, दो दो का, एक एक का, ठीक है। तो यहाँ देखो सिंपल है, यहाँ पे आपको समझ गया है कि पहला नंबर एल कैसे आया, एक एक के गैप के बाद में आ रहा है। नेक्स्ट हम जाएंगे फिर के, के के जस्ट पहले जे आता है, जे के जस्ट पहले आई आता है, आई के जस्ट पहले एच आता है, तो एच के जस्ट पहले क्या आता है, जी। एल जी, एल जी, देखो एल जी कहाँ पर है, पूरे ऑप्शन में एल जी सिर्फ यही है। मतलब तीसरा लेटर निकालने की भी जरूरत नहीं, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार। अब देखो हमारा एल आया था, लेकिन एल से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शन थे, इसलिए फिर हमें दूसरा निकालना पड़ा। दूसरा जी आया, तो दूसरा जी ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका था, है ना, ऑप्शन बी कैंसिल हो चुका था, डी कैंसिल हो चुका था, बचा कौन था, सिर्फ ए और सी। ए और सी में भी दूसरा जी कहां पर है, सिर्फ सी में, तो सी इज द आंसर। तीसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है, तीसरा निकालने की भी जरूरत नहीं है। तो ये है लेटर सीरीज दोस्तों, अगेन एक हलवा, एक चिल्लर सा टॉपिक जिसका एक मार्क भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पेन पेपर की जरूरत नहीं है, आंखों ही आंखों में, मन ही मन में ए बी सी डी पढ़ते रहो। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। चलो बताओ इसका आंसर। सॉरी थोड़ा परेशान कर, क्या है इसका आंसर, सी वी एक्स, सी वी एक्स, सी वी एक्स। मतलब अगेन आप में से कोई वी बोल रहा है, वी एक्स बोल रहा है वो भी सही है, सी बोल रहा है वो भी सही है। सो करेक्ट, बी के बाद सी छोड़ दिया डी, फिर जी एच छोड़ दिया आई, बराबर।
अब ये भी समझना है कि देखो बी बी के बाद सी छोड़ दिया, फिर डी आया, फिर ई एफ छोड़ दिया, जी एच छोड़ दिया, आई आया, मतलब यहाँ पे वो आपस में एक छोड़ रहे हैं और यहाँ इन दोनों के बीच में दो छूटे, आई के बाद जे के छोड़ दिया, एल एम छोड़ दिया, एन, फिर एन के बाद दो छोड़ दिए, फिर से ओ पी क्यू आर छोड़ दिया, एस वापिस दो छोड़ दो, तो यू और वी छोड़ दो, सॉरी एस के बाद टी और यू छोड़ दो, वी आएगा, डब्ल्यू छोड़ दो, एक्स, वी एक्स इज द राइट आंसर, परफेक्ट, वी एक्स इज द राइट आंसर। नहीं जानवी, बी और सी नहीं लगेंगे क्योंकि यू और डब्ल्यू का तो कोई रोल ही नहीं, यू वी डब्ल्यू, अच्छा एक सेकंड ना, यू कैसे आएगा, यू तो आएगा ही नहीं ना, यू तो आएगा ही नहीं, यू क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ठीक से देख रहे हो डी और जी में कितने का गैप है, दो का गैप है बराबर, फिर बाद में आई और एल में कितने का गैप है, दो का गैप है, फिर एन और क्यू में कितने का गैप है, दो का गैप है, तो एस और अगले में भी दो का गैप हो रहा है ना, तो एस के बाद टी गया, यू गया, दो गए, वी आए, ठीक है जानवी, तो आई होप आप क्लियर हो जानवी। नेक्स्ट चलो बताओ, ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बहुत ही, चलो बताओ इसका आंसर। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्लियर, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे दो पैटर्न बन रहा है, एक जेड के बाद वाई, वाई ड एक्स, एक्स डब्ल्यू, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे एक पैटर्न क्या बन रहा है, जेड वाई डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू, यानी उल्टा उल्टा पैटर्न, समझ रहे हो, जेड जस उसके पहले फिर वाई, जस उसके पहले एक्स, जस उसके पहले डब्ल्यू, लेकिन एक छोड़कर, एक छोड़कर, यहाँ देखो क्या बन रहा है, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, तो अब यहाँ पे इसका आएगा ना जो क्वेश्चन मार्क पूछा है वो किसका है, पहले पैटर्न का, सो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी, सो वी इज द आंसर, वी इज द आंसर, अरे वाह लाइन से वी बोला है, क्या बात है, क्या बात है, किसी किसी ने ऑप्शन ए बोला है, बहुत सही बहुत सही, सो यहाँ दो पैटर्न बन रहा है, बिल्कुल सही। एफ नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो एफ बोल रहे हो ना, आप एक चीज नहीं समझ रहे हो, यहाँ अल्टरनेट पैटर्न चल रहा है, तो अभी देखो जेड, फिर उसके बाद वाई, फिर डब्ल्यू, फिर एक्स के बाद डब्ल्यू, और फिर यहाँ पे वो पैटर्न आएगा ना वी। अगर आपको ये अगला भी क्वेश्चन मार्क होता, अगला, तो बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, और ई के बाद यहाँ पे एफ आता, मतलब यहाँ वी यहाँ एफ, बट आपको ये एफ पूछा ही नहीं है, आपको बस ये एक ही क्वेश्चन मार्क पूछा है, तो जिन्होंने एफ बोला उनका आई होप मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन दूर हो गया होगा। ये देखो देखो, ये बताओ जल्दी इसका आंसर। मैंने कहा आज का लेक्चर मेरा कम और आपका ज्यादा है, लॉजिकल रीजनिंग है वैसे म्यूचुअल, जितना हम साथ में करेंगे उतना ज्यादा आप एक्सपर्ट बनोगे। चंद कुछ कंसेप्ट जिसमें मुझे थोड़ा बहुत बताना पड़ता है, उसके बाद फिर आप कर सकते हो, बाकी तो सब ऐसे इजी इजी है। एफ टू के, ए टू पी, पी टू यू, यू टू जेड और जेड टू ई, गाइज अगर आप ठीक से करोगे ना तो आपको बिल्कुल सही, जे इज द राइट आंसर, क्या बात है क्या बात है। देखो यहाँ क्या हो रहा है पता है, पांच पांच का डिफरेंस आ रहा है, मतलब बराबर एफ के बाद जो अगला फिफ्थ लेटर है वो आ रहा है, फिर के बाद अगला फिफ्थ लेटर, फिर पी के बाद अगला फिफ्थ लेटर, फिर यू के बाद अगला फिफ्थ लेटर, फिर जेड के बाद अगला फिफ्थ, जेड के बाद कुछ नहीं, मतलब आप इस एबीसीडी शुरू करो। देखो जेड एफ के बाद जी एच आई जे के, बराबर पांचवा नंबर के आ गया, ठीक है, के बाद एल एम एन ओ पी, बराबर पी आ गया, पी के बाद क्यू आर एस टी यू, पांच 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 पांच,
फिर यू के बाद जेड वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड के बाद ई ए बी सी डी ई, अब ई के बाद पांचवा लेटर देख लो कौन सा है, ई के बाद एफ जी एच आई जे, सो जे इज द आंसर, परफेक्ट, जे इज द आंसर, सुपर नाइस। बताओ ये डाउट सेशन अभी तो शुरुआत है, डाउट सेशन कहाँ अभी से, डाउट सेशन एंड में, आखिरी में सब होने के बाद। पहले सिलेबस को तो पटरी पे ले आए, चलो तीन 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 का बात बन रहा है। फिर से आपको पता है कैसे करते हैं, बी टू ई सी डी ई तीसरे नंबर पे, एफ जी एच तीसरे नंबर पे, आई जे के तीसरे नंबर पे, तो एल एम एन तीसरे नंबर पे, बराबर अगला थर्ड अगला थर्ड अगला थर्ड ऐसा चल रहा है, बी के बाद जो थर्ड पे है, बी के बाद वो ई, ई के अगला थर्ड एच, एच के का अगला, एच का अगला थर्ड के का अगला थर्ड एन, ठीक है। उसी तरह आप एक्स, एक्स के देखो यू वी डब्ल्यू एक्स चार पहले, क्यू आर एस टी चार पहले, चार पहले, तो अब चार पहले एल के चार पहले कौन आएगा, एच आई जे के एल, एच आएगा, एच आएगा एच, तो देखो एन से स्टार्ट होने वाला आपको चाहिए था, तो एन से स्टार्ट होने वाला तो ना बी है ना सी है, लेकिन यस ए और डी में टाई हो गया। लेकिन गाइज आपको अभी दूसरा लेटर जो है वो इंसाफ देगा, तो ए में है एच, अगले में है आई, तो आई तो गलत है, हमारा एच आया है, सो ए इज द आंसर, ए इज द आंसर, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड, एन एच आर, करेक्ट। एल के बराबर देखो मतलब बी के अगला थर्ड 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 और एक्स का पिछला फोर्थ पिछला फोर्थ पिछला फोर्थ पिछला फोर्थ, तो एल का पिछला फोर्थ आता है एच, तो एच इज द आंसर, क्लियर, बिल्कुल सही, वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत इजी है, पहला लेटर देखो कितना इजी है, सी डी ई एफ, तो जी से, बट बैड लक सारे ऑप्शन जी 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 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक भी ऑप्शन आप फिलहाल तो कैंसिल नहीं कर सकते हो। बताओ परफेक्ट, जी वी वाई जी वी वाई जी वी वाई सी 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 ऑप्शन सी, परफेक्ट, ऑप्शन ए गलत है मयंक, जी वी वाई ऑप्शन सी, करेक्ट, गुड, सी 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 नाइस। बताओ
इसका आंसर वाई डी वाई डी वाई डी, करेक्ट, बिल्कुल सही। सी के बाद डी ई एफ जी, चार का गैप, एच आई जे के एल पांच का गैप, एम एन ओ पी क्यू आर छः का गैप, अब सात का होगा फिर, तो आर के बाद सातवें नंबर पे देखो कौन आता है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, करेक्ट। तो पहले चार का, फिर पांच का, फिर छः का, फिर सात का, तो आर के बाद सातवें नंबर पे आता है वाई, परफेक्ट, नाइस, गुड्डी गुड्डी गुड्डी। यस बिल्कुल सही, उर्वशी दीपाली दीप्ति, सॉरी उर्वशी सही है, दीप्ति गहलोत सही है, नवनीत यस, जितीज एस टी क्यू करेक्ट है, नवनीत, सो बी इज द राइट आंसर। देखो यहाँ डी के बाद आई, अगर आप देखो ई एफ जी एच आई पांचवें नंबर पे, आई के बाद एन, अगेन जे के एल एम एन पांचवें नंबर पे, तो N के बाद पांचवें नंबर पे कौन आता है, O P Q R S, तो S से स्टार्ट होने वाला, तो A ऑप्शन तो गया, अब S से स्टार्ट होने वाला तुरंत देखो, D के बाद E, I के बाद J, N के बाद O, तो S के बाद क्या आता है T, तो S T, तो अगेन S T तीनों में है, अब आपको आखिरी लेटर देखना ही होगा, तो आखिरी लेटर क्या है, आखिरी लेटर देखो B और D, एक का गैप, G और I एक का गैप, L और N एक का गैप, तो आखिरी लेटर भी ऐसा लो जिसमें एक का गैप हो, तो Q QRS, एक का क्या पता है ना R, अब मैंने ऐसा किया, आप वैसा भी कर सकते हो जो हम जनरली करते हैं, वन टू वन वन टू वन, जैसे मैंने ये पहला निकाला ना D टू I, I टू N, N टू S, ये फिर E टू J, J टू O, O टू T मिलता था बराबर, और उसी तरह B टू G, G टू L, L टू Q, तो बराबर Q आ जाता था, S T Q, परफेक्ट। अब इतना देखो ये पैटर्न तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे एक है, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, तो अगला पक्का पांच आएगा, बट सारे ऑप्शन पांच 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 ही है, तो उस लॉजिक से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। अब देखो क्या एग्जैक्टली सबसे मेन, अगर आप ये देखो तो गैप इन दोनों में एक का गैप है, एक्स वाई जेड, वापिस इन दोनों में भी एक का गैप है, यू वी डब्ल्यू, इन दोनों में भी एक का गैप है, क्यू आर एस, और अब इन दोनों में भी फिर एक का गैप दे दो, ओ से स्टार्ट होगा ना फिर, पीछे पीछे एन के पीछे लेना है हमें, तो एन के पीछे एक का गैप, एल से स्टार्ट होगा, और पूरे ऑप्शन में एल से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही है, पूरे ऑप्शन में एल से स्टार्ट होने वाला इकलौता ऑप्शन है, ऑप्शन ए, परफेक्ट सलोनी, बिल्कुल सही। देखो पिछले के एंड में और अगले के स्टार्ट में एक का गैप है, एक्स और जेड में, वापिस पिछले के एंड में और अगले के स्टार्ट में एक का गैप है, यू और डब्ल्यू में, फिर से एंड और अगले का स्टार्ट, क्यू और एस एक का गैप, तो एन और अगले का स्टार्ट एक का गैप चाहिए, तो यहाँ पे एन है तो एक का गैप दे दो, एम तो, और पीछे पीछे जाना है, जेड के पीछे एक्स, एक्स के पीछे यू, यू के पीछे क्यू, तो अब आपको एन के पीछे एल लेना है ना, तो एन के पीछे एल, बिल्कुल सही, ए इज द राइट आंसर, परफेक्ट। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, बताओ जल्दी इसका,
बताओ यार क्या आया है? ए डी ए डी, अरे बाप रे, बी भी बोल रहा है कोई, आर एस टी भी बोल रहा है। अरे टफ लग रहा है। देखो सबसे पहले पहला पहला देखो, इसका फर्स्ट कौन है? डी, फिर इसका फर्स्ट एच, फिर इसका फर्स्ट एम, तो अगला फर्स्ट क्या आएगा? सो डी टू एच, ई एफ जी एच, चार का गैप, फिर एच टू एम, एच के बाद आई जे के एल एम, पांच का गैप। मतलब देखो ये गैप भी एक एक से बढ़ रहा है। आप देखते हो ना कभी कभी कांस्टेंट गैप होता है, कभी कभी एक फिक्स पैटर्न में बढ़ता बढ़ता गैप होता है। तो यहाँ चार का गैप, फिर पांच का, तो अगला कितना आएगा? छह का गैप। तो एम के बाद छह काउंट कर लो, एन ओ पी क्यू आर एस, तो एस से स्टार्ट होने वाला चाहिए। और पूरे ऑप्शन में एस से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो कि है ऑप्शन ए, तो बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। ए इज द राइट आंसर। यस, क्यों डी बोल रहे हो आप लोग पता नहीं? आप लोगों ने शायद ये पहला गैप देखा होगा चार का, तो बस उसी पैटर्न से चल दिए। चार का गैप है तो फिर एम के बाद चार का गैप, एन ओ पी क्यू, बराबर इस लॉजिक से आपने क्यू बोल दिया। अरे भाई ठीक से देखो, इतना ऊपरा ऊपरी नहीं सोचना, इतना फास्ट करो लेकिन जल्दबाजी नहीं, फास्ट हो लेकिन हड़बड़ी मत करो। यहाँ चार का, यहाँ पांच का है, तो अगला छह का गैप आएगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यस सुपर गाइस। तो गाइस आज अपन ने दो टॉपिक खत्म किए, एक लेटर सीरीज और कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न। तो अभी कल हम देखेंगे नंबर सीरीज। ये जैसे आज लेटर सीरीज देखा ना, वैसे ही नंबर सीरीज, मतलब यहाँ पे दो, फिर चार, फिर यहाँ पे सात, फिर यहाँ पे 11, तो अगला क्या? मतलब जैसे भी आपने लेटर का पैटर्न देखा, वैसे नंबर का पैटर्न, दो का गैप, तीन का गैप, चार का गैप, तो यहाँ पे पांच का गैप, 16। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि इतना ही इजी आए, उसमें थोड़ा बहुत स्क्वायर का भी नॉलेज काम आएगा, मल्टीप्लीकेशन भी यूज होगी, तो वो सब हम देखेंगे। नंबर सीरीज में थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेटर सीरीज में बहुत इजी इसलिए होता है क्योंकि लेटर सीरीज मतलब क्या है, ए टू जेड, और कुछ है नहीं उसमें, इतनी सी दुनिया है ए टू जेड। लेकिन नंबर सीरीज की दुनिया क्या होती है, इनफाइनाइट होती है ना, आखिरी नंबर कौन सा है किसी को नहीं पता, इनफाइनाइट है। तो इसीलिए वहां पे थोड़ा सा चीजें और वहां पे कैलकुलेशन प्लस माइनस के चांस होते हैं ज्यादा इसके कंपैरिजन में, इसलिए ये थोड़ा हलवा है, इसको आज कवर किया। नंबर सीरीज हम कल देखेंगे। ठीक है, सो बाय गाइज, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।